स्थायी रही स्वास्थ्य बीमा प्रसंग आगक आयुष्मान भारत लागू हेबो ना जारी रहिबो बीएसकेवाई स्वास्थ्य सुरक्षार परिसीमा वृद्धि नहीं चली योजना स्वास्थ्यमंत्री कहिले तर्जमा परे नियाजिबो पदक्षेप। श्रीक्षेत्रर असंभाल भिड़ जगा दर्शन पर प्रबल गुळगुळी रे भी भक्तों लंबा लाइन प्रशासन नाकेदम सरकार कहिले लगातार चारि दिन छुट्टी जोगु जनगहली अधिक फोर्स मुतयन। स्नान यात्रा और रथयात्रा पर प्रस्तुति स्थिति समीक्षा कले मुख्यमंत्री मोहन माझी आईन मंत्री मुख्य शासन सचिव डीजीपी सहित आलोचना गोटे दिन में नेत्रोत्सव नवजौवन पड़ुथिबारु प्रशासन पर होइपारे चैलेंज श्रृंखलित घोष यात्रा उपरे सरकार को गुरुत्व। निजे हारिगले किंतु दल को दिले बम्पर विजय हारिथिबा नेता बड़ पुरस्कार देवाक विचार करुछि बीजेपी आगरे मनमोहन समीर गोलक और जगन्नाथ को आगामी दिन में मिलपे गुरु दायित्व बीजेडी छाड़ी बीजेपी में मिशिता समीर दास को भी बड़ दायित्व देपे दल। किए हेब कांग्रेस विधायक दल नेता एआईसीसी को तीन विधायकों ना सुपारिश रेस आगरे तारा प्रसाद बाहिनीपति रामचंद्र काडाम और राजन एक्का भी मिलपे सुजोग। अनुकूल होउनी पाग अधा बाटरे अटकी जाइछि मौसुमी असह्य गरम और गुळगुळी रे छटपट लोके पानीपाग विभाग कहले आहुरी 24 घंटा जारी रहिबो ग्रीष्म प्रवाह 18 परे बढ़िबो वर्षार परिमाण। राज्य में छाई रही स्वास्थ्य बीमा प्रसंग बीएसकेवाई एवं आयुष्मान को नहीं चर्चा अनेक आगक आयुष्मान भारत लागू हेबो ना जारी रहिबो बीएसकेवाई एहा मध्ये कहा जाउछि जे स्वास्थ्य सुरक्षार परिसीमा वृद्धि नहीं योजना चली स्वास्थ्य मंत्री कहते दुई योजना को तर्जमा कर पदक्षेप नि राज्य में बढ़िब स्वास्थ्य बीमा परिसर एवं विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना लागूता बेले आयुष्मान भारत लागू करने को प्रतिश्रुति सरकार को आसी बीजेपी तेरे बड़ कथा होग को आयुष्मान भारत लागू हेब ना बीएसकेवाई जारी रहिबो चर्चा चली तेरे आगामी समय रे स्वास्थ्य सुरक्षार परिसीमा वृद्धि नहीं योजना चली चर्चा हो राज्य में जदि आयुष्मान भारत लागू हेब यार मापदंड अनुसार 63 लाख परिवार सुविधा पाइबे किंतु बीएसकेवाई रे उपकृत होउछंती 1.3 कोटी परिवार वार्षिक प्रति परिवार को 5 लाख टंका मिलुथुबा बेले महिला को मिलुछि अतिरिक्त 5 लाखर चिकित्सा सुविधा। दुई योजनार मापदंड भिन्न थिबारु गोटिए योजना चलिले बात पड़े अनेक हिताधिकारी तेणु यही दुई योजना को मिसाई आगामी दिन में बड़ योजना आनी पारंती सरकार खूब शीघ्र एने प्रक्रिया आरंभ हो बोली कहा जाउछि। दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय सहित विचार विमर्श पर एने प्रक्रिया आरंभ हो नुआ स्वास्थ्य मंत्री कहिसंती लोकों को स्वास्थ्य सेवा जोगाई देवा सरकार का प्राथमिकता। आयुष्मान योजना केंद्र सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम होइथिबारु दुई योजना को तर्जमा करी पदक्षेप नियाजिबो। आपण देखंतु भारत वर्षर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा जो उद्घाटित होता आयुष्मान भारत योजना यहाँ गोटे फ्लैगशिप प्रोग्राम एवं भारत वर्षर बीजेपी शासित राज्य में सबुठी लागू होती ओडिशा रे आमे दुईटा जाक कार्ड को तर्जमा करिबु एवं कैबिनेट कैबिनेट रो निष्पत्ति परे आमे ग्रहण करिबु। राजस्थान ने बीजेपी सरकार आसीबा परे दुई योजना को मिसाइबा नहीं नजर रहिछि राज्य रे नुआ सरकार आसीबा परे कांग्रेस सरकार रो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना और आयुष्मान भारत को मिसाइबा को केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय निकट रे दाबी करथिला बीजेपी सरकार। ओडिशा रे मध्य समान रूप पंथा अपनाई पारे बीजेपी सरकार तेबे सरकार बदलिबा परे बीएसकेवाई को नहीं बेस द्वंद्व उपजुवा बेले नुआ योजना आसवा जाए बीएसकेवाई बलवत्तर रहे बोली स्पष्ट करथिले राज्य सरकार। समस्त बीएसकेवाई कार्ड धारी परिवार मानकु जे बीएसकेवाई राज्य सरकार प्रचलित योजना जहाँ वर्तमान चालू रही योजन समस्त एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल गुड़िक रोगी चिकित्सा अब्याहत रही
कौन से डाक्तरखाना जदि BSKY रजिस्ट्रीभुक्त डाक्तरखाना कौन से रोगी को ट्रीटमेंट करिवारे अवहेला करिपारिबे नाही बा रोगी को डिस्चार्ज करिपारिबे नाही प्रीमैच्योरली डिस्चार्ज करिपारिबे नाही। राज्य में वर्तमान बलवत्तर रही विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना कौन से हिताधिकारी जपरी BSKY वंचित न होंती से नहीं स्वास्थ्य विभाग और मुख्य शासन सचिव कड़ा निर्देश देते आयुष्मान भारत लागू नहीं बीजेपी प्रतिश्रुति सरकार को आसी तेणु दुई योजना को मिसाई आसी पारे एक बड़ योजना। सोनपुर सत्यवान पुरोहित और भुवनेश्वर अजेश मल्लिक न्यूज 18 ओडिया। श्रीक्षेत्र में असंभाल भिड़ प्रबल गुळगुळी रे भी भक्तों लंबा लाइन गहली एमती जे पादे पादे घुंचा मुस्किल सेबड़े गहली जोगु प्रशासन नाकेदम मंदिर चारिद्वार खोली सहित लगातार चारिदिन छुट्टी जोगु ए गहली लागि रहिछि। सेबड़े सरकार कहिछन्ति कि भिड़ एबे नियंत्रण में रहिछि एवं आगकु श्रृंखलित दर्शन व्यवस्था हेबो। श्रीजीवी दर्शन पाई पुरी रे प्रबल भिड़ लगी भक्तों लंबा लाइन श्रीमंदिर चारिद्वार खोल सहित लगातार चारिदिन छुट्टी सुजोग भक्तों टाणी आनी पुरी हेले प्रबल भिड़ जो स्थाने स्थाने ट्राफिक समस्या तेणु नाकेदम हो प्रशासन पुरी में भिड़ को नहीं सरकार भी सचेतन पुरी में रथजात्रा सहित भिड़ नियंत्रण नहीं मुख्य शासन सचिव और डीजीपी समेत अन्य पदाधिकारी सहित आलोचना करते मुख्यमंत्री मोहन माझी बैठक परे आईन मंत्री कहते महाप्रभु नीतिकांति सुरक्षा पर आवश्यक पदक्षेप लगातार चारिदिन छुट्टी थीड़ था कि संपूर्ण नियंत्रणाधीन था बर्तमान नीतिकांति ठीक ठाक चली मुख्य शासन सचिव कहते भिड़ नियंत्रण अधिक 8 प्लाटून फोर्स मुतयन आईन श्रृंखला एडीजी उपस्थित रही तदारख कर श्रृंखलित दर्शन पर समस्त व्यवस्था कर समस्या किसी ना जेहेतु छुट्टी थिला स्वाभाविक भाव में छुट्टी दिन तीन चार दिन कंटिन्यूअस छुट्टी पड़ा कारण भिड़ होता एवं से भिड़ नियंत्रण भितर अच्छी कौन से प्रकार असुविधा होना नीतिकांति जमी ठीक ढंग से आज भी नीतिकांति पूरा दिन आज सका जो भाव नीतिकांति हवा कथा पूरा ठीक ढंग से चली भिड़ नियंत्रण कार्यक्रम हूँ पुलिस और मंदिर प्रशासन करेंगे एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर अच्छा आज सौमेन्द्र प्रियदर्शी ये मीटिंग पर सीधा जाठी डायरेक्टर इंटेलिजेंस जो पुलिस डिप्लोमेट एवं आम मंदिर भितर जो भिड़ा हो ताको केमती कंटिन्यूअस मूवमेंट हम तारी रात प्लान कर होपफुली आज सिचुएशन रे अनेक इंप्रूवमेंट हमारे आशा करा जाउछि। सेबडे श्रीमंदिर रे भिड़ नियंत्रण पाई सजग रही पुरी जिला प्रशासन पुरी जिलापाल कहते श्रृंखलित दर्शन व्यवस्था पाई खूब शीघ्र बस स्वतंत्र मैनेजिंग कमिटी बैठक पंडा द्वार खोल जगमोहन तलु अवरोध हटा आनंद बजार पटु 22 पहाज को प्रस्थान गेट खोल होइपारे आलोचना सेबड़े पूरी एसपी कहते भिड़ जो श्रीमंदिर चतुर्पार्श्व सहित ट्राफिक व्यवस्था समस्या सृष्टि नूतन निर्देशनामा अनुसार दर्शन व्यवस्था आहुरी श्रृंखलित होगाक किसी दिन समय लगे स्वतंत्र मैनेजिंग कमिटी बैठक हम तत्सहित गोटे स्वतंत्र छतीसा निजोग बैठक भी हम जो समस्त मतामत जहाँ सब गोटे फाइनालाइज करपीरियंस बेटर हो पार फास्टर हो पार आम दर्शन समय टी अवधि को बढ़े पार तो से समस्त विषय उपर आलोचना करपत्ति नहीं तुरंत इम्प्लीमेंट कर देखो गोटे नुआ व्यवस्था जेहेतु आरंभ होत्नवान अच्छे लोक कम से कम असुविधार सम्मुखीन हो किंतु जो पर्वपर्वाणी दिन कि छुट्टी दिन मानक जो बहुत भिड़ हो बहुत जगार लोक आसुच्चू आम धाड़ी करी लाइन करी रेगुलेट कर छाड़ू आम मुख्य प्रायोरिटी है कौन सी लोक किसी असुविधा जमी न हो छुट्टी दिन मानक पुरी में अहेतुक भिड़ तेणु भक्त मान धैर्य और संयमता रक्षा करने को निवेदन कर प्रशासन पुरी कैमरामैन अमरेन्द्र विश्व सहित अक्षय मिश्र और भुवनेश्वर कैमरामैन आशीष दास और मानस पट्टनायक सहित दुष्मंत बेहरा और अजेश मल्लिक न्यूज 18 ओडिया।
पुरी स्नानयात्रा एवं रथयात्रा पई सरकारको प्रस्तुति जुलाई 7 तारिखरे विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा तेणु रथयात्रा प्रस्तुति बैठक करिछन्ति मुख्यमंत्री मोहन माझी। बैठक में शामिल होते आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, मुख्य शासन सचिव और डीजीपी सहित वरिष्ठ पदाधिकारी बैठक में थे। स्नानयात्रा और रथयात्रा प्रस्तुति बाबद मुख्यमंत्री को अवगत कराई वर्तमान कौन स्थित रही कौन प्रस्तुति रही से बाबद दि जाइए तथ्य। एवं आगामी दिन को बैठक में श्रीजीवर जित्रार पूरा रूपरेख प्रस्तुत हो रथयात्रार एथर 13 दिन अणसर गोटे दिन में नेतृत्व एवं नवजौवन दर्शन सहित श्रीगुंडीचा जात्रा 53 वर्ष पर पड़ुछि एभली स्थिति तेणु कार्य संपादन करिबा प्रशासन और सेवायतों पर चैलेंज सृष्टि करिछि। केवल आलोचना जहाँ सुरखुर जमी रथयात्रा हम से निश्चित भाव में सरकार कौन पदक्षेप ने कौन करेंगे से बाबद आगक आलोचना हम एवं सेवायत बंधु मानते बाकी जो मैंने स्टेक होल्डर सा आगक आलोचना हम 22 तारीख दिन आम अच्छी स्नान पूर्णिमा स्नान पूर्णिमार प्रोसेस कौन कौन हुए मुझे विषय में जेहेतु मोर अभिज्ञता अच्छी मुझे विषय में टी जन स्नान पूर्णिमा दिन ये जिनस हम एमती कम हम तो तार व्यवस्थापी डीजी आम सोमेन्द्र प्रियदर्शी तक भी अनेक अभिज्ञता अच्छे से विषय टी बुझेलुँ ए वर्ष जेहेतु रथयात्रा हम जुलाई 7 तारिख रथयात्रा अच्छे तापूर्व आमको दुईट बैठक कराया पड़ो मान्यवर आईन मंत्री अध्यक्ष गोटे बैठक हम तापर शेष बैठक हम मान्यवर मुख्यमंत्री अध्यक्षतार तेणु ये जो इनट्यूशनाल आरेजमेंट संपर्क में आम आज ब्रिफिंग कलु सो दैट अनरेबल चीफ मिनिस्टर अनरेबल लॉ मिनिस्टर अंडरस्टैंड्स रोल कौन केमती करेंगे कौन करेंगे ये सब रुटीन जिनस आरेजमेंट केमती हम पुलिस आरेजमेंट केमती हम ब्रॉड पिक्चर उपर आज आलोचना। समलपुर को एक अग्रणी अंचल करने गुंडुचि मूषार दायित्व ने भी यहां संकल्प बोली समलपुर को एक ज्ञान अर्थनीति पेंठस्थल करने समस्ते उद्यम करने आह्वान देते धर्मेन्द्र कहते नवनिर्वाचित युव मुख्यमंत्री मोहनचरण माझी जन गरीब घर पुआ और आदिवासी मां का आशीर्वाद मुख्यमंत्री और नूतन मंत्रिमंडल पर रखू मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल अनुभवी माने बहु उत्साह सह युवबंधु को दायित्व मुख्यमंत्री। गंजाम आरंभ है श्रीजगन्नाथ सेनार धन्यवाद यात्रा राज्य सरकार श्रीमंदिर चारिद्वार खोलिया श्रीजगन्नाथ सेना पक्षर यात्रा आरंभ होया सहित राज्य सरकार को साधुवाद जनाई श्रीजगन्नाथ सेना श्रीमंदिर चारिद्वार खोली बेले केबे रत्नभंडार खोल ताकू अपेक्षा करीजगन्नाथ सेनार आवाहक प्रियदर्शन पट्टनायक राउरकेला झेराबाहाल गांव में चर्च में सशस्त्र डकायती माड़ मारी प्राय 10 लाख टंका नहीं फेरार होगले दुर्वृत्त दुर्वृत्तों माड़ में कैथलिक चर्चर दुई जना फादर लोहु लुहाण होते चिकित्सापी सरकारी हस्पिटाल भर्ती कर आहत फादर कहते जे आज 10 रु 12 जन दुर्वृत्त चर्च भितर पशि लुटपाट करते टा मागवास माड़ मारी खबर पाई राउरकेला एसपी ब्रिजेश राय हस्पिटाल को जाई घटना संपर्क में छानबीन करिछंती अपराधी को धरिया पाई एक टीम गठन कर 10 दिन अधिक समय है रायगढ़ जिले में व्यापी अजणा रोग जहां नहीं अंचल में कोकुआ भय सृष्टि होती वर्तमान सुधा 5 शिशु जीवन जाइए तथापि रोग को चिन्ही पार ना डाक्तरी दल रायगढ़ जिला काशीपुर ब्लक मनुष्यपदर गांव में व्यापी अजणा रोग प्रथम ज्वर घोड़ा बिहारे आक्रांत होगा देहर संक्रमण बढ़ुच्छी रोगी लाल एवं रक्तर नमूना संग्रह करी जांच पर जिला स्वास्थ्य विभाग पठाई एपर्यंत रिपोर्ट हस्तगत साधारण लोकंकु भेटिले मुख्यमंत्री मोहन माझी राज्य अतिथि भवन में अपराह प्राय 1.5 घंटा धरी साधारण लोकंकु भेटिले मुख्यमंत्री लोकंकु भेटी सेमानक समस्या विषय में पचारिथिले लोके नुआ मुख्यमंत्री को पाखरु पाई खुशी अनुभव करने सहित फुलतोड़ा दे शुभेच्छा जनाइथिले। मुख्यमंत्री कहते 5 वर्ष में 50 वर्ष विकास नहीं खसड़ा प्रस्तुत हो दीर्घ 24 वर्ष पर शासन में परिवर्तन हो भाव में ओडिशार विकास होगा कथ लोकों पाखे सेवा पहुंचा कथ लोक सामाजिक न्याय मिलवा कथ मिल पारिना
ନାହିଁ। ବିଗତ ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ। ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା, କଥା ହେବା, ଦେଖା କରିବା ଏସବୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମି ଯାଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରୁନଥିଲେ। ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଦରକାର। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଓ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଲୋକେ ପିପୁଲ ସିଏମ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପରାମର୍ଶ ମିଳୁଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି କି ମାଝି ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ସେ ତ ଜାଣିନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ମାଝି ଅଙ୍କଲ ଏତେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫେଭରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତ ମାଝି ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ବୋଲି ସେ ଜିଦି ଧରି ବସିଲା, ସେଥିପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବେ ନା। ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ଦେଖିଲୁ କି ସାର୍ ଏମିତି ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ପୁରା, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଲୁ। ଆଶା ରଖିଛୁ ଯେ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ସବୁ ସଫଳ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସଫଳ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ, କାରଣ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରୁଛୁ ଆଜି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଗୋଟିଏ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିଲା, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାର ସୁଫଳ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ଆସିଲା ଯେ ଶାସନର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବିକାଶର ରାସ୍ତା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଟକି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଏବଂ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ସେମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜି ମୋତେ ମିଳିଛି। କିଏ ହେବ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା? ବିଧାନସଭାରେ ଦଳକୁ ଲିଡ୍ କରିବ କିଏ? ଏନେଇ ଏଆଇସିସିକୁ 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ପଠାଇଛି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ଓ ରାଜନ ଏକ୍କା। ଆଉ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ମତରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିପାରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ନିର୍ବାଚନରେ ଭଲ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ, 14 ବିଧାୟକ ଆସିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା, ହେଲେ ଗୃହରେ ସେମାନଙ୍କର କିଏ ହେବ ନେତା? ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ହେବା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ଚେହେରା, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ତୁଙ୍ଗ ନେତା, ଗୃହରେ ବହୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ, 20 ବର୍ଷ କାଟିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ, ଏଥର ପୁଣି ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। କୋରାପୁଟରୁ 2000-2004 ବିଧାୟକ ଏବଂ ଜୟପୁର ଆସନରୁ ଲଗାତାର 2014-2019 ଏବଂ 2024 ବିଧାୟକ, ତେଣୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ରେସ୍ରେ ତାରା। ସେପରି ପଟାଙ୍ଗୀ ବିଧାୟକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ 3 ଥରର ବିଧାୟକ, ସେ ପଟାଙ୍ଗୀରୁ 1995, 2009 ଏବଂ 2024 ବହୁମତ ପାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲିଡର। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜନେକା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ 2 ଥରର ବିଧାୟକ, 2019 ଏବଂ 2024 ଜିତିଛନ୍ତି ଏକା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜସ୍ୱ ସଂଗଠନ ରହିଛି ଏହି ଯୁବ ବିଧାୟକଙ୍କର। ସେପଟେ ତାରା କହିଛନ୍ତି 2029 କଂଗ୍ରେସର ବର୍ଷ, ଦଳକୁ ଏବେଠାରୁ ସଶକ୍ତ କରିବାର ରହିଛି, ଯଦି ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବ ତେବେ ସେ ତୁଲାଇବେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ସେହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଲବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଆଇସିସି ଯେଉଁ ପଦବୀ ଦେବ ସେ ତାହା ତୁଲାଇବେ। ସିଏଲପି ଲିଡର କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତା ହେବା ନ ହେବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫରକ ପଡ଼େନି, ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀବାଲା ନେବେ ମୁଁ ତାକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିବି, ଦେଲେ ମୁଁ କେବେ ତ ମୁଁ ଦେଲେ କେଉଁଟା ମନେ କରିନି, ନଦେଲେ ମାଗିନି। 2029 କଂଗ୍ରେସର ଦିନ ଆସିବ ନାଇଁ, ଚର୍ଚ୍ଚା ଯଦି ହେଉଛି ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଏଆଇସିସି ଆଉ PCC ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଏ 14 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରିବେ, ଯାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ଆସିବା ପାଇଁ, କଂଗ୍ରେସ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲଢ଼େଇବି। ତାରା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଚଏସ୍, କାହା ଉପରେ ମୋହର ମାରିବ ଏଆଇସିସି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜନୀତି ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ କହିବା କଥା ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ସମ୍ମାନ ରଖିଛି। କୋରାପୁଟ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ 7ରୁ 6 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଜିତିଛନ୍ତି, 20 ସାଂସଦ ଆସନ ବିଜେପି ପୁଛି ନେଇଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟରେ ରିପିଟ୍ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯିଏ ବି ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ହେବେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ହେବେ। ତାରା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଧବାର ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାରା।
निज अंचल दक्षिण ओडिशा तथा राज्य पर अनेक प्रसंगे से सरकार को घेरी शासक दल को बहुत हरड़ गणारे पकाइबा सह दल फाइट कर दृष्टि ताराप्रसाद बाइनपोत हो पारती विधायक दल नेता केन्द्र शासन रे भारतीय जनता पार्टी राज्य में प्रथम थर पर शासन को आसी बीजेपी आदर्शगत दृष्टिकोण कांग्रेस कट्टर विरोधी भारतीय जनता पार्टी तेणु से दृष्टिकोण राज्य में किए हे विधायक दल नेता किए कांग्रेस मंग संभाल जे जोरदार विरोध कर कांग्रेस वोट बैंक बढ़ाव से भाई नेता को बाछब अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी जदि विधानसभा गोटे सिनियरिटी बापरिक दक्षता मत विचार करा जाए तो निश्चित भाव तारा बहनपति गोटे दाबीदार रु जहाँ कहले पटांगी जी विधायक अच्छा सी मत एथर भाव तीन थर कि चार थर विधानसभा को आस 2024 निर्वाचन में ओडिशा सह अन्य राज्य में भी भल करी कांग्रेस तेणु आगामी निर्वाचन को आख्या कर रखी राज्य विधायक दल नेता चयन करिपारे कांग्रेस कोरापुट रु त्रिलोचन महाराणा भुवनेश्वर रु सुमंत सुंदर राय न्यूज 18 ओडिया लोकसभा हेउ कि विधानसभा क्षेत्र निजे हारिगले सिना दल को देले बम्पर विजय दलर जो नेता बीजेपी प्रार्थी सपक्ष में भोट आणवे मंग धरी बीजेपी से भली बड़ नेता मिल बड़ दायित्व निर्वाचन में प्रमुख भूमिका नहीं दल को विजयी करावे दायित्व नहीं नेता पद्म कैंप देव पुरस्कार बीजेपी नेता मिलपे पुरस्कार निर्वाचन में जो नेता काम करते दल को जितबार सहायक होते से ही नेता बड़ दायित्व देपे दल ओडिशा रे बीजेपी पूर्वर विरोधी दल एकाकी सरकार गठन करसाहित बीजेपी क्यांप लोकसभा हो कि विधानसभा क्षेत्र जो नेता माने बीजेपी प्रार्थी सपक्ष में भोट आणवे प्रमुख भूमिका नहीं नेता मिल बड़ दायित्व निर्वाचन में प्रमुख भूमिका नहीं दल को विजयी कराइथिबा नेता पद्म कैंप देव पुरस्कार विशेषकर बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल को मिलपे बड़ दायित्व मनमोहन चांदवाली लड़ी परास्त होते राज्य में बीजेपी को बम्फर विजय देवे प्रमुख भूमिका नहीं खाली मनमोहन नुहति बीजेपी पूर्वतन राज्य सभापति समीर महांती उपसभापति गोलक महापात्र दलय मुखपात्र पीतांबर आचार्य एवं जगन्नाथ प्रधान को मध्य दल में बड़ पद मिलपे से हीपरि बीजेडी छाड़ी बीजेपी में जोग देता पूर्वतन मंत्री समीर दास को गुरुद्वायित्व देवा नहीं विचार कर सरकार रे जी दायित्व पदवी अच्छी सब संगठन में समस्त लोक तो मिल पार ना कि भिन्न भिन्न बाटर से कार्यकर्ता मैंने किभली सरकारी योजना कार्यान्वयन क्षेत्र में सहायक हो पारे से चिंता दल निश्चित भाव कर 2024 निर्वाचन फलाफल को जदि देखा तेज बीजेपी ओडिशा रे 21 लोकसभा क्षेत्र 20 बाजीमात कर विधानसभा 78 आसन हाथी दल सफलतार बहुत नेता हाथ रही वरिष्ठ सांबादिक रविदास बीजेपी शासित अनेक राज्य नेता बड़ दायित्व मिलबार नजर रही सरकार हाथ में बहुत गुड़े कॉर्पोरेशन अच्छी बहुत बड़े संगठन अच्छी अनुष्ठान अच्छी जो गुड़ाक लोक मानू पर लोक जो मैंने टिकेट पाई टिकेट पाई हारी जाती कि दल पाई से बहुत उपयोग काम करतान करेंगे ना कर दायित्व मान जो सरकार हुए यहाँ कराए कर किसी नुआ कथा हेनी निश्चय करने को बाध्य कारण दल भी तो चाप भी हम नुआ सरकार गठन हो सारी मंत्री मान विभाग बंटन सरी निर्वाचन फलाफल को नहीं शीर्ष नेतृत्व मध्य आरंभ हो जाए मानस मंथन भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन आशीष दासन सह दुष्मंत बेहरा न्यूज 18 ओडिया ए वर्ष जून 8 रे राज्य में मौसुमी छुईवा बेले अनुकूल पाग नथिबारु आगक बढ़ी पारना फल बर्षार देखा ना आगामी 3-4 दिन जाए भी पागरे विशेष परिवर्तन संभावना ना यापर तापमात्रा 2-3 डिग्री ह्रास पाइबार संभावना रही तेज 4-5 दिन मध्य मौसुमी अन्य जिला छुईमार संभावना रही वर्तमान यह कोरापुट और मलकानगिरी सक्रिय रही 18-19 तारीख बेलू बर्षार परिमाण बढ़ पूर्वानुमान कर विभाग विशेषकर दक्षिण ओडिशार विभिन्न स्थान में वर्षा संभावना रही 18 तारीख में कोरापुट मलकानगिरी रायगढ़ में प्रबल वर्षा होवार संभावना रही
ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ତାତି ସହିତ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି 24 ଘଣ୍ଟା ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ। ଆହୁରି 4 ଦିନ ଉପକୂଳରେ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ଲାଗି ରହିବ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। उड़ीसा के ऊपर इनपुट का डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलेटेड रहा है। सबसे अधिक वर्षा संबलपुर के धमानकीरा में 96.4 मिलीमीटर दर्ज की गई। उसके बाद 3 जगह हैवी रेनफॉल भी दर्ज किया गया। सीवियर हीट रियलाइजेशन जिसमें झारसुगुड़ा, केवंझर और मयूरभंज में आइसोलेटेड प्लेस में सीवियर हीट वेव कंडीशन भी प्रिवेल हुई है। उसके अलावा 9 जगह पर हीट वेव रही है, बालासोर, अनगूर, संबलपुर, सुंदरगढ़, बुलांगी, ढेंका, बोध, सोनपुर और नुआपाड़ा में। हाई टेम्परेचर बारीपदा का 43.8 डिग्री से दर्ज किया गया है। भुवनेश्वर का तापमान 37.8 और कटक का 38 डिग्री से दर्ज किया गया है। फिलहाल उड़ीसा के ऊपर डायरेक्टली कोई सिग्नल वेदर सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से कोई जो आस पड़ोसी वेदर सिस्टम उसकी वजह से उड़ीसा पे बारिश हो रही है। डे वन के फोरकास्ट की बात करें तो डे वन में हमारा साउथ कोस्ट उड़ीसा और नॉर्थ कोस्ट उड़ीसा में स्कैटर डिस्ट्रीब्यूशन की संभावना है और आपका जो इंटीरियर उड़ीसा है वहाँ पर आइसोलेटेड प्लेस से हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना है।